काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम आए वैष्णो देवी कटरा से थे, कटरा से हम फिर यहाँ पे गली, आई थिंक इसे गिल्ली डंडा टॉप कहते हैं, तो वहीं पे हम बर्फ़ का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, तो हम काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों के दोनों। कितना अच्छा लग रहा है यार। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा जम्मू आके, बहुत खूबसूरत है और स्नो के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो आज ये बर्फबारी गिरी, आज ही आप पहुंचे तो किस तरह से तो पहुंचे? मैं इसको अपना लक समझता हूँ कि मतलब साथ ही साथ बर्फबारी गिरी और साथ साथ हमें जो है बर्फ के दर्शन भी हो गए। एक्चुअली उत्तराखंड में भी गिरती है, बट मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ फ्लो होते हुए, तो उससे ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरा नाम उमर जहानजेब है, मैं तहसीलदार भदरवा हूँ। सर, ये जो लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो इस पे थोड़ा सा बताइए किस तरह की कंडीशन है अभी? अभी एक्चुअली अभी इस सीज़न में अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, एक्चुअली सेकंड टाइम हुआ है, लास्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था। हम लास्ट टाइम यहाँ आए हुए थे तो उस टाइम भी स्नोफॉल हुआ था। तो सिंस ये अब टूरिस्ट सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे स्नोफॉल का भी काफ़ी रोल रहेगा टूरिस्ट की अट्रैक्शन में यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हम रोड्स क्लियर करवा दें। तो आज मैं इसलिए आया था यहाँ स्पॉट पे चेक करने के लिए कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। तो होपफुली अब हम कल से काम शुरू करवा देंगे जहाँ ये रोड सारी क्लियर हो जाएं, जिससे आसपास के जो सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं वहाँ से टूरिस्ट यहाँ और अट्रैक्ट हो सके और यहाँ के एंजॉय कर सके स्नोफॉल को। हम करते रहेंगे वेदर से रिलेटेड, अगर एडवर्स वेदर होगा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो टूरिस्ट को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उन्हें कब विजिट करना है कब नहीं। मैनेजेबल कंडीशंस में हम कोशिश करेंगे कि सब लोग यहाँ आके एंजॉय कर सके। तो एक्चुअली जो मैंने देखा, ये सब टूरिस्ट अभी एक्चुअली आज ही आए हैं इन्होंने, क्यों ये मोस्टली सब ये लोकल हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में ऐसे नहीं था अभी कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी। तो ये ऑफ गार्ड हम प्रिपेयर नहीं थे हम इतनी स्नोफॉल के लिए, तो ये मोस्टली लोकल टूरिस्ट ही हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हम ये रोड साफ़ करवा दें और टूरिस्ट सीज़न के लिए तैयार करेंगे यहाँ की कंडीशंस को।